So hello everyone. So I welcome you all to Unacademy. So hum log ye session le rahe hain. Again, it is related with India Yearbook. So aap sabhi log kaise hain? Please let me know. Aur ye session aapka dono jagahon pe live hai. YouTube mein bhi live hai aur Unacademy ke andar bhi dono live hai, theek hai? Unacademy ke andar jo special classes hain, uske andar aap dekh sakte ho. और YouTube के अंदर भी आपका लाइव है. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, हमने कई सारे जो टॉपिक्स हैं और चैप्टर्स हैं वो कवर कर लिए हैं. ये हमारा फिफ्थ पार्ट है. ठीक है, सो हम लोग शुरू करते हैं. जस्ट लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल दोनों जगह. प्लीज़ लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल सो दैट आई कैन स्टार्ट. I can start the session. If I'm audible, please let me know. दोनों जगह please let me know. YouTube में जो बच्चे हैं, अमित हैं, राकेश हैं, शिवम हैं YouTube में, अपेक्षा हैं, अपेक्षा तो रोज ही क्लास कर रही हैं, गरिमा हैं, शिवम हैं, सो प्लीज़ लेट मी नो. और यहाँ भी जो बच्चे हैं, शुभम, सागर, सोहेल, शकुंतला. ठीक है, सो थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ हमने कितने चैप्टर्स कर लिए हैं. लैंड एंड पीपल हमारा हो गया है. वी हैव कवर्ड लैंड एंड पीपल चैप्टर. वी हैव कवर्ड नेशनल सिंबल पॉलिटी. आपका सेम लक्ष्मीकांत जो है वही सेम चीज़ है, तो उसमें इतना नहीं है. सो हमने एग्रीकल्चर कवर कर लिया है. आज हम डिस्कस करेंगे कल्चर एंड टूरिज्म. बेसिक इकोनॉमिक डेटा आपको नहीं करना. कॉमर्स के कुछ पॉइंट्स मैं आज डिस्कस कर दूंगा आपसे. कम्युनिकेशन में कुछ पॉइंट्स वो डिस्कस कर दूंगा आज आपसे. उसके बाद डिफेंस में आज आपसे डिस्कस करूंगा. एजुकेशन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. एनर्जी में आपसे डिस्कस करूंगा आज. ठीक है, एनवायरनमेंट मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया. फाइनेंस आई विल कवर टुडे. ठीक है, तो ये चैप्टर्स आपके कवर होंगे. और तो आज हमारे ये पूरे के पूरे, जैसे आज हमारे ये कवर हो जाएगा, उसके बाद डिफेंस आपका कवर हो जाएगा, एजुकेशन, एनर्जी, एनवायरनमेंट, फाइनेंस, ये पूरे कवर हो जाएंगे. और ये भी कवर हो जाएगा. ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस बेसिस पर ये पूरा कवर होगा. और हमारा आज ये कवर हो जाएगा. ठीक है, फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स. फिर नेक्स्ट पार्ट भी हम एक पार्ट और करेंगे इसका, इंडिया ईयर बुक का. तो इसमें हम हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, ये दो चैप्टर्स हैं. और यहाँ पे आपका एक रूरल डेवलपमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो एक क्लास और लगेगी और फिर ये पूरा का पूरा आपका इंडिया ईयर बुक कवर हो जाएगा. ठीक है, आप लोग एक, अगर आपके पास इंडिया ईयर बुक है तो एक बार थोड़ा सा एक लास्ट में सारे स्टेट्स के बारे में है, तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बारे में भी मेंशन्ड है, तो उसको एक बार रीड करना. वैसे मैं भी आपका नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर जरूर से करूंगा. तो इससे आपकी पूरी की पूरी जो इंडिया एयर बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, जो इंडिया एयर बुक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगी. तो ये जो चैप्टर्स हैं, अभी हमारे जो चैप्टर्स कुछ बचे हैं वो हमारे कवर हो जाएंगे. सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी. माय नेम इज सौरभ पांडे. बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी टेल यू अबाउट अनअकैडमी. सो अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से आप जरूर से जुड़ो. और अभी आप 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. और जैसे आप 2020, 2021, 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. इसमें 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में सिर्फ 1 मंथ का अगर आप अमाउंट ऐड करते हो तो आपको 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है. यू हैव टू यूज दिस रेफरल कोड, दैट इज SPLIVE. जैसे इस्तेमाल करोगे, जो अमाउंट है ये 48,000, इट विल रिड्यूस टू 43,200. और ये जो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है इसमें आपको क्या मिलेगा, 80+ टॉप एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हो. एक बार नहीं, बहुत बार, मतलब जितनी बार कोर्स आएगा 2 सालों में आप पढ़ सकते हो. तो GS भी आपका कवर होगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आपके कवर हो जाएंगे. प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आपका कवर्ड है. तो पूरी आपकी UPSC प्रिपरेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. आई होप कल का टेस्ट आप लोगों ने दिया होगा और अच्छा परफॉर्म किया होगा. 29 मार्च को है और जो गलती आपने इस टेस्ट में की है उसको नेक्स्ट टेस्ट में आपको रिपीट नहीं करनी है. 12 अप्रैल को होगा और आई विल टेक द डिस्कशन ऑफ दिस टेस्ट. ये आपका 9 PM को डिस्कशन होगा. ठीक है, और फिर आपका 10th May, 26th April, 10th May, 24th May. तो कोशिश करो कि अच्छा स्कोर करो. 110, 120, 130, इस टाइप का स्कोर लाने की कोशिश करो. अच्छा परफॉर्म करो, रिवाइज करो. और ये जो टेस्ट हैं प्रिपेयर्ड है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा. तो चलो शुरू करते हैं. एनवायरमेंट का कुछ हमारा हल्का सा बचा हुआ था, उसको डिस्कस करते हैं. सो राइट डाउन ओजोन लेयर. तो ये आप लोग पढ़ते भी हो अबाउट ओजोन लेयर. राइट डाउन ओजोन लेयर एवरीवन. जो बच्चे पहले से क्लासेस कर रहे हैं तो उन्होंने सारी चीज़ों को कवर किया होगा.
रिवाइज भी आप लोगों ने जरूर से किया होगा। सो आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू कि आप लोग सभी लोग कोशिश करो कि रिवीजन पर थोड़ा एम्फेसिस आपका रहे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ओजोन लेयर की बात अगर आप करोगे, सभी को पता है अगर आप ओजोन लेयर की बात करो तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में आपका ये लोकेटेड है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में आपका ये लेयर प्रेजेंट है और ये हमें यूवी रेस से बचाती है। ओजोन क्या, अगर आप देखते हो केमिकल मतलब अगर इसका एटॉमिक लेवल पे देखते हो तो इसका जो फॉर्मूला है वो O3 है। तो जो ये ऑक्सीजन है प्लस O, तो ये आपका O3 बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस O इज इक्वल टू O3। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये मिलकर ऑक्सीजन के साथ ये मिलकर O3 बनाता है। जो यूवी रेडिएशन है ये ब्रेक डाउन करती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, यही यूवी रेडिएशन O2 को ब्रेक करेगी, नेसेंट ऑक्सीजन आपका बनेगा और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर आपका O3 बनाएगा। तो 90% जो ऑफ ओजोन जो फॉर्म्ड होती है आपकी 10 से 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस है। और कहाँ पे प्रेजेंट है, 10 से 50 किलोमीटर मेनली जो स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर मोस्ट लेवल पे आपकी ओजोन प्रेजेंट है। तो ये आप सभी को पता है। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर है उस स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर मतलब जो लोअर मोस्ट एरिया है वहां पे ये आपका प्रेजेंट है, ये आपको ध्यान रखना। जो ओजोन लेयर है वो एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल यूवी बी रेडिएशन। तो यूवी बी रेडिएशन थोड़ा सा ज्यादा हार्मफुल आपके लिए होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ फ्रॉम यूवी बी रेडिएशन, यूवी बी रेडिएशन से हमें बचाती है। तो ये सारी चीजें आपकी इंडिया एयर बुक के अंदर लिखी है, तो ये फैक्चुअल चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ ऐसी चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं अगर आप पिछले साल के पेपर उठा के देखो। तो यूवी बी रेडिएशन हैज द पोटेंशियल टू कॉज स्किन कैंसर, ये स्किन कैंसर कॉज कर सकती है। आई कैटरैक्ट, बॉडी इम्यून सिस्टम इससे सप्रेस हो सकता है, क्रॉप इल्ड रिड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत डायरेक्ट बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पैक्ट ऑफ यूवी बी रेडिएशन, यूवी बी रेडिएशन के कौन कौन से ये इम्पैक्ट है। तो आपको बताना है कि स्किन कैंसर मतलब ये ऑप्शन में हो सकता है आपका कि स्किन कैंसर, आई कैटरैक्ट जो आंखों में हो जाता है दिखता नहीं है, उसके बाद बॉडी का जो इम्यून सिस्टम वो सप्रेस होता है, और क्रॉप इल्ड आपकी रिड्यूस होती है। तो ये चार ऑप्शन आपके माइंड में होने चाहिए। डायरेक्ट आप क्या सकते हैं 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, तो आइडिया होना चाहिए कि आपका ये चारों ही होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो एडॉप्शन ऑफ इंडिया ने वियना कन्वेंशन को इंडिया ने अडॉप्ट किया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन 1985 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर इन 1987। तो ये देखो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन आपका जो है वो अडॉप्ट किया गया 1985 के अंदर, और उसके बाद आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका अडॉप्ट किया गया 1987 में। और ये दोनों किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो हो सकता है आप लोगों ने इसके बारे में सुना हो, आपको आइडिया हो पूरे तरीके से, बट वियना कन्वेंशन भी आपको याद रखना, ये भी बेसिकली रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। और हमने इसको अडॉप्ट भी मतलब इसको अडॉप्ट किया गया 1985 के अंदर, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को, जो यूट्यूब में है बच्चे वो प्लीज लेट मी नो। एवरीवन, दिलीप, ARS और गौरी, सचिन, अपेक्षा, समझ में आ रहा सभी को? सो अगर आप मैंडेट देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, इज टू फेस आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर आप बात करो तो इसका मतलब इसका एम क्या है, मैंडेट क्या है, कि जो ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं ODS जिसे हम कहते हैं, ऐसे कोई भी ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको फेस आउट करना, उनका इस्तेमाल कम से कम करना। तो इंडिया जो है पार्टी है मतलब पार्ट है वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन द सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर एंड इट्स ऑल अमेंडमेंट्स एंड एडजस्टमेंट्स। तो इंडिया दोनों ही कन्वेंशन का पार्ट है, तो ये फैक्ट भी आपको माइंड में होना चाहिए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपको जानकारी पूरी होगी, लेकिन आपको याद रखना है वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन दोनों का पार्ट है इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की अगर आप बात करो तो उसने ओजोन सेल बना रखा है एज अ नेशनल ओजोन यूनिट टू रेंडर नेसेसरी सर्विसेज फॉर इफेक्टिव एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो नेशनल ओजोन यूनिट का गठन किया गया है जो कि ये सारी चीजों को कि ओजोन जैसे हम लोग वियना कन्वेंशन का पार्ट है, हम लोग जो है पार्ट है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, तो वो ढंग से देश में इंप्लीमेंट हो इसको ध्यान में रखने के लिए आपका और नेशनल ओजोन यूनिट का गठन हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको माइंड में रखना है। यहां तक नोट कर लिया सभी ने एवरीवन? ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं वियना कन्वेंशन। तो जैसे मैंने आपको बताया वियना कन्वेंशन 1985 और ये रिलेटेड किससे है? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। तो ये आपको सभी को पता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी और इट हैज बीन यूनिवर्सली रेटिफाइड एंड ऑल द 197 यूएन मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड आर पार्टीज ऑफ वियना। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसको विश्व के सारे देशों ने, ये दोनों ही वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इन दोनों को ही विश्व के सारे देशों ने रेटिफाई किया। अब ये स्टेटमेंट मान लो प्रीलिम्स के उसमें लिखा आ जाता है तो बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आपके माइंड में आएगा कि ये कैसे हो सकता है, सारे देश कैसे जो है इसको रेटिफाई कर सकते हैं, ये सब बहुत तरीके के प्रश्न आपके माइंड में आ सकते हैं। तो याद रखना वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये दोनों ऐसी ट्रीटीज हैं जो कि बेसिकली रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर से। और यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसमें विश्व के सारे देशों ने जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है उन्होंने इसको रेटिफाई किया है, वो इस ट्रीटी का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो अभी मैंने करंट अफेयर का जो सेशन चल रहा था तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो मीटिंग लेटेस्ट कहाँ हुई थी, क्या क्या इसके उस मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया था। तो अभी जो प्रीलिम्स वाला कोर्स चल रहा है 3:30 बजे क्लास होती है, तो उसमें मैंने मतलब टू ईयर्स का करंट अफेयर्स जो मैं कवर करा रहा हूँ तो उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये कौन सा कन्वेंशन है, अभी इसकी मीटिंग कहाँ हुई है, क्या क्या उसके अंदर मतलब क्या क्या कदम उठाए गए, तो उन बातों को भी आपको जरूर से जानना चाहिए, ठीक है। वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड हर्ष, आपने तो अटेंड किया ही था क्लास। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब हम डेजर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो इस शब्द का मतलब क्या होता है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब आप इतना समझो, जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी डेजर्ट एरिया के, सेमी एरिड और एरिड कंडीशंस हैं, वो फर्दर एक्सपैंड हो, ठीक है, वो फर्दर एक्सपैंड हो, उसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो जैसे अगर राजस्थान है, राजस्थान में जो सेमी एरिड और एरिड कंडीशंस हैं वो फर्दर एक्सटेंड हो, ठीक है, एक्सपैंड हो, तो हम इसको कहेंगे कि ये डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है। हो क्यों रहा है? क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं, है ना, पेड़ काटे जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रेनफॉल पैटर्न में बदलाव आ रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो यहाँ पे द कंसर्न रेस किया गया ऑफ अरेस्टिंग एंड रिवर्सिंग द डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन गेट्स रिफ्लेक्टेड इन मैनी ऑफ द नेशनल पॉलिसी। तो बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि इस चीज को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करती है कि डेजर्टिफिकेशन ना हो। अब देखो यहाँ प्रश्न बन सकता है, यहाँ प्रश्न ऐसा बन सकता है कि इनमें से कौन सी पॉलिसी है जो भारत को हेल्प कर रही है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे आपके माइंड में होना चाहिए कि इनमें से कौन सी पॉलिसी है विच विल हेल्प आर हेल्पिंग, ठीक है, टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इन इंडिया। तो इसमें नेशनल वाटर पॉलिसी भी है, उसके बाद नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी भी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी है, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी भी है, नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स 2007 भी है, नेशनल रेनफील्ड एरिया अथॉरिटी NRA 2000 which are enabling provision for addressing these problems। तो अलग अलग आपकी policies अलग अलग levels पे हैं जिनके provisions specific हैं, जैसे national water policy है या फिर national forest policy है तो forest के conservation के लिए effort किया गया, agriculture policy, तो यहाँ पे इन्हीं में सब provisions भी हैं जिसमें land के degradation को protect करना, ecosystem को protect करना, ये सब भी प्रयास किया गया जिससे कि जो desertification है वो desertification ज़्यादा से ज़्यादा expand ना हो। तो यहाँ पे प्रश्न आपके लिए जो बन सकता है वो यही है कि इनमें से कौन से प्रोविजंस हैं, है ना, इनमें से कौन से प्रोविजंस हैं जो कि हेल्प करेंगे इंडिया को टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और आपके माइंड में सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, कि ये सारे आपके प्रोविजन, ये पॉलिसीज आपकी हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन
कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये आपका अगर आप बात करेंगे इंडिया जो है इसका पार्ट बना, इंडिया बिकेम अ सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इन 1994, ठीक है, 1994 पे इंडिया इसका पार्ट बना। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोडल मिनिस्ट्री है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये दो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहला इंडिया इसका पार्ट कब बना, तो जब ये कन्वेंशन आया उसी समय हम इसका पार्ट बन गए, 1994 में ही हम इसका पार्ट बन गए। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बेसिकली नोडल एजेंसी है जो कि इसको इंप्लीमेंट कर रही है भारत के अंदर, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना, ये दो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? इज इट क्लियर एवरीवन? यूट्यूब में जितने बच्चे प्रेजेंट है प्लीज जल्दी से लाइक बटन भी प्रेस कर देना और शेयर भी कर लेना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, GEF, इस पे प्रश्न पूछा हुआ है यूपीएससी ने। तो ग्लोबल एनवायरनमेंटल फैसिलिटी क्या है वो देखते हैं। तो ये जो है पहला पॉइंट, यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल एनवायरनमेंटल फैसिलिटी का इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। तो पहला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर, इंडिया बेसिकली इसका फाउंडिंग मेंबर है, किसका, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का, इंडिया एक फाउंडिंग जो है फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है, इंडिया बेसिकली इसका जो है फाउंडिंग मेंबर है जब हम बात करते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का। ये सेटअप कब हुआ, 1991 में, और इज द डेजिग्नेटेड मल्टीलेटरल फंडिंग मैकेनिज्म जिसमें 183 देश हैं। मेनली इसका एम क्या है, अलग अलग देश इसका पार्ट है और अलग अलग देश इसका पार्ट है और बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं उनको पैसा की जरूरत अगर पड़ती है तो उसको फाइनेंस करना, ठीक है, उनको जो है फाइनेंस करना, तो ये आपका एम आपका रहता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको अगर फाइनेंस करना है तो फाइनेंस करने के लिए एक ये मैकेनिज्म, एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे GEF एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। फाउंडिंग मेंबर का मतलब होता है कि जब इसकी स्थापना हुई, अलग अलग देशों ने जब उन्होंने सोचा कि इसकी स्थापना करनी चाहिए तो उन देशों में भारत भी था। जब आप बनाते हो, मतलब इसको इसका गठन करते हो, तो इसके गठन करने में या एस्टैब्लिशमेंट में इंडिया भी इसका पार्ट था। तो GEF मैंडेट इज टू डिसाइड एज पर द गाइडेंस कवर्ड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल कन्वेंशन, नेमली कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मैंने आई थिंक अभी कल ही डिस्कस हम लोगों ने किया था इसके बारे में। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो एक तो CBD है, CBD बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है और एक आपका है क्लाइमेट चेंज को रोकने से रिलेटेड है। दोनों ये जो आपके कन्वेंशंस हैं जो कि अगेन यूनाइटेड नेशन के विद इन फ्रेमवर्क है, इनसे रिलेटेड बहुत से जो प्रोजेक्ट हैं अगर उनको इंप्लीमेंट करना है तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से पैसा लिया जा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सर्टेन गाइडलाइंस हैं जो कि इन कन्वेंशंस पे मेंशन्ड है और इन कन्वेंशन में जो गाइडलाइंस मेंशन्ड है इनको फॉलो करते हुए GEF का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर यहां तक सभी को? इसके अलावा आपका यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी तो है ही, साथ में इसके अलावा जो हमने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये भी है, इसके अलावा कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मिनामाटा कन्वेंशन, ये सारे कन्वेंशंस इसके अंदर आते हैं। मतलब इन सारे कन्वेंशन की इम्प्लीमेंटेशंस के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट आपका आता है तो उसके लिए अगर पैसा चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए तो वहाँ पे पैसा दिया जा सकता है, ठीक है। तो GEF ग्रांट्स आर अवेलेबल अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम से हाईलाइट कर लेना। 5 फोकल एरिया है जहां पे इसका ग्रांट अवेलेबल होती है, कौन कौन सी है, पहला लिख लो बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, दूसरा क्लाइमेट चेंज, तीसरा लैंड डिग्रेडेशन, चौथा इंटरनेशनल वाटर्स, और फिर इंटरनेशनल वाटर्स एंड केमिकल्स एंड वेस्ट, ठीक है। तो अलग अलग जो एरियाज हैं, जो फोकस एरिया है जिसके तहत GEF के उसमें इसको पैसा दिया जाता है, कौन कौन से एरियाज हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, इंटरनेशनल वाटर्स, केमिकल्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सारे एरियाज में
जो आपका जीईएफ है वो ग्रांट देता है। तो आपसे सिंपल सा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन से एरियाज हैं जहां पे जीईएफ बेसिकली ग्रांट दे सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन आपका आसानी से बन सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं, हमने एनवायरमेंट चैप्टर खत्म कर लिया, अब हम नेक्स्ट चैप्टर मूव कर रहे हैं, दैट इज कल्चर एंड टूरिज्म, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे, कल्चर एंड टूरिज्म। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? जो नए बच्चे हैं और जो मतलब यूट्यूब में जुड़े हुए हैं प्लीज लेट मी नो। रोहित थोड़ा रोहित आप देखो थोड़ा, मैंने आपको कल भी इस चीज के बारे में बताया था कि अगर मैं बहुत ही धीरे बोलूंगा इसमें होगा क्या आपका कि 950 पेज है, 950 पेजेस हैं आपके, ठीक है। और अगर मैंने इस इंडिया ईयर बुक को कवर धीरे धीरे किया तो ये इंडिया ईयर बुक पूरे ईयर चलेगी, समझ रहे हो, पूरे साल इंडिया ईयर बुक चलेगी। तो ऐसा हमको नहीं चाहिए। तो आपके पास जो यूट्यूब में बच्चे हैं या आप लोग के पास ऑप्शन है, मान लो कुछ छूट जाता तो आप बोल सकते हो कि मतलब यहाँ पे पॉज कर लो या ऐसा कुछ, बट हमें समझना इस बात को है कि हमें इस इंडिया ईयर बुक को कवर करना है और इसमें ऐसा कोई कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं है, फैक्चुअल चीज़ें हैं जो जानना जरूरी है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा है, अब मान लो सेवा भोज है, अभी मैं आपको बताना शुरू करूँ सेवा सेवा, फिर उसके बाद भोज, फिर उसके बाद योजना, अब ये सब आप लोग जानते हो, ठीक है। तो ये हमारे लिए इतना काम नहीं है कि है ना, फिर इस टाइप से अगर टाइम पास चलेगा तो उससे होगा क्या कि फाइनली 4-5 घंटे में कल्चर एंड टूरिज्म ही आपका हो पाएगा। तो वो आपको अपना आउटपुट भी देखना है कि आपको उस पूरे जो टाइम आप दे रहे हो उसमें आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, समझ रहे हो, कितना आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो बहुत आसानी से चीज़ों को आपका वैसे ही कवर हो जाएगा। और मान लो कुछ चीज़ें अगर सपोज नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। स्पीड को आप खुद मतलब कम कर सकते हो, आप लोग के पास ऑप्शन ये रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे कोशिश ये है कि पूरी जो 950 पेजेस हैं आपके, 950 जितने भी पेजेस हैं ये आपके हो जाएं 6-7 आवर्स में ख़त्म हो जाएं, है ना। तो अभी हमारा आई थिंक ये फोर्थ या फिफ्थ सेशन है, 1-2 सेशन के अंदर पूरी इंडिया बुक आपकी ख़त्म हो जाएगी, ये बहुत बड़ा एक माइंड में बर्डन आपका चला जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करो, ठीक है। चलो अब सेवा भोज योजना, सेवा भोज योजना ये क्या है? तो सेवा भोज योजना, पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि अगर कल्चर एंड टूरिज्म के अंदर कोई भी स्कीम अगर आएगी तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च की जा रही है, बस ये पॉइंट याद रखना। जैसे हमने पहले देखा कि अगर कोई भी स्कीम आ रही है तो वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज थी, इससे पहले जो चैप्टर एजुकेशन किया था उसमें कुछ भी आ रहा था तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ मतलब जो MHRD मिनिस्ट्री है वो इन्वॉल्व थी। यहाँ पे जो आपकी है कल्चर एंड टूरिज्म में जो भी आएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आएगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है नई स्कीम, लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम, इसके द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है सेवा भोज योजना। 2018 में ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत क्या है, जो सेंट्रल रीएम्बर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर ऑफ सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विसेज टैक्स so as to lessen the financial burden of religious charitable institutions who provide food। अब देखो आपने देखा होगा कि जैसे कई religious institutions हैं फ्री में खाना खिलाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस स्कीम के अंदर क्या किया जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे GST अगर लग रहा है तो उसमें सेंटर का भी शेयर होता है, स्टेट का भी शेयर है। तो सेंटर जो GST इनमें लगा रहा है उसमें अपने शेयर का पैसा वो दे देगा, ठीक है, उन मतलब स्टेट को दे देगा। तो इससे क्या है कि इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो फाइनेंशियल बर्डन आपका इतना नहीं होगा। क्लियर है सभी को यहां तक? इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया सभी को? हाँ, तो यहां पे है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद आप देखो ललित कला अकादमी, ठीक है, अकादमी आप ये कह सकते हो ललित कला अकादमी। तो ये कब सेट हुआ? 1954 में, और गवर्नमेंट की एपेक्स कल्चरल बॉडी है इन द फील्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये फुली फंडेड है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो ललित कला अकादमी, ये 1954 में इसकी स्थापना हुई, एपेक्स कल्चरल बॉडी है और इन द फील्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स इन इंडिया, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, फुली फंडेड है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा।
ईयर याद रखो 1954, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये अपेक्स कल्चरल बॉडी है जो विजुअल आर्ट्स जो जितना है उसको देश में देखना, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो इसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की अगर आप बात करोगे तो ये क्या है, फॉरमोस्ट थिएटर इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड में और ये आपका सेटअप बाय संगीत नाटक अकादमी 1975 में इट बिकेम अ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन टोटली फाइनेंस्ड बाय डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। तो ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपको पता है किस लिए होता है, वहाँ पे थिएटर से चीज़ें जो चीज़ें हैं उनको सिखाया जाता है ये सब, तो बस एक पॉइंट याद रखो 1959 में इसकी स्थापना हुई और 75 में ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बन के और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का पार्ट बन गई, ठीक है। और नहीं ये याद नहीं रखना कि कौन यहाँ से है ना, वो याद नहीं करना कि है ना कि यहाँ से ये वाला हीरो है वो वाली हीरोइन है, ये सब कोई मतलब नहीं है, ये नहीं कोई पूछने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत ये स्कीम है। देखो स्कीम पे अगर क्वेश्चन बनते तो यहाँ से बहुत आसानी से बन सकते हैं, ठीक है, इंडिया एयर बुक से। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की अगर आप बात करोगे ये 2015 में अनाउंस किया गया था, ये याद रखो 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहली चीज याद रखो 2015 में ये आपकी स्कीम अनाउंस की गई। दूसरा आप याद रखो कि किसके बर्थ एनिवर्सरी में इसको आप कह सकते हो कि इसको मतलब अनाउंस किया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी में इनका इसको अनाउंस किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सेलिब्रेट, अब देखो एक भारत से ही पता चल रहा है, एक भारत मतलब यूनिटी की बात चल रही है, तो सेलिब्रेट द यूनिटी है ना, यूनिटी को सेलिब्रेट करना और नेशनल इंटीग्रेशन को जो है वो प्रमोट करना, स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ये कीवर्ड्स आपके माइंड में होगा तो आसानी से आप लोग लिख सकते हो, सेलिब्रेट द यूनिटी, बाकी चीज़ें आप लोग मतलब समझ ही सकते हो, यूनिटी को सेलिब्रेट दो, हमारे देश की एकता उसको सेलिब्रेट करना, नेशनल इंटीग्रेशन के स्पिरिट को जो है वो प्रमोट करना, जो रिच हेरिटेज और कल्चर है, कस्टम है, ट्रेडिशंस हैं वो किसी भी स्टेट के हैं, ठीक है, तो इनेबलिंग पीपल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएट, तो अलग अलग जो स्टेट्स हैं उसके जो रिच हेरिटेज कल्चर कस्टम ट्रेडिशंस जितनी भी ये चीज़ें हैं तो लोग इसको समझें, इसको अप्रिसिएट करें, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद लर्निंग बिटवीन स्टेट्स बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, अब आपस में जो स्टेट्स हैं उनके बीच भी वो काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, छत्तीसगढ़ कर्नाटका से सीखे, कर्नाटका छत्तीसगढ़ से सीखे, केरला तमिलनाडु से सीखे, इस टाइप से, तो ये भी ये है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से सीखे चीज़ों को, सीखे मतलब कल्चरल एस्पेक्ट को सीखे, तो ये आपको ध्यान रखना। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत 2015 में आपकी लॉन्च की गई, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 140th बर्थ एनिवर्सरी है उसमें इसको लॉन्च किया गया, यूनिटी को सेलिब्रेट करना, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, उसके बाद लोगों को जानकारी देना जो देश का हेरिटेज कल्चर कस्टम ट्रेडिशन है, उसके बाद आपको जो जो स्टेट्स के बीच में अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी है वो स्टेट्स एक दूसरे को के बारे में सीखें, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा मैं ये पीडीएफ भी आपका शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है, तो डोंट वरी, आपको आप या तो जो मतलब अनअकैडमी में अगर आप हैं तो उसमें आपको ये पीडीएफ इसका मिल जाएगा, ठीक है, आई विल शेयर द पीडीएफ, अगर आप अनअकैडमी में हैं तो इसमें आपको इसका पीडीएफ आई विल शेयर, और जो बच्चे यूट्यूब वाले हैं सो वो अगर स्पेशल क्लास में जाके इनरोल करते तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, और अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी मैं आपको जो मतलब जो टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी का उसमें भी मैं आपका ये शेयर कर दूँगा, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लेना, चलो यहां तक समझ में आ गया। अभी आपके पास जैसे मैंने आपको कहा आपके पास मौका है अनअकैडमी से, मतलब अभी आप जुड़ सकते हो, और अभी क्लासेस भी, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, April 2nd से अप्रैल के करंट अफेयर का कोर्स शुरू होने जा रहा है, ठीक है, उसके बाद जून से आई एम लॉन्चिंग आंसर राइटिंग, ठीक है, और जून से एक इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स भी आपका आएगा, ये सब कोर्स आपके आने, करंट अफेयर्स भी पैरेलली चल रहा है, तो आप लोग जुड़ सकते हो अनअकैडमी में मुझसे, यू हैव टू यूज दिस रेफरल कोड दैट इज SPLIB, अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है, तो मेरे अलावा भी टॉप 80+ एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। तो देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करो तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ,
1861 में, तो ये ईयर याद रखो 1861 में ये आपका स्टार्ट हुआ। ये फंक्शन करता है एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये अटैच्ड ऑफिस के रूप में आपका फंक्शन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, ठीक है। और कई प्रकार के चीज़ें हैं जैसे एक्सकवेशन करना, ये आप लोग को पता ही है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्सकवेशन करना या जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, इन सब के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रयास करता है, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक, एवरीवन? स्क्रीन बड़ी कर लो प्रवृति, आई थिंक इसमें फॉन्ट तो काफ़ी बड़े हैं, दिख रहे होंगे, मुझे दिख रहे हैं, यूट्यूब में मैं भी देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहे हैं क्लियरली। आप लोग थोड़ा सा लैपटॉप में देखो तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, फुल स्क्रीन कर लो और आपको सब दिखेगा, ठीक है। फिर एक मिशन आपका है नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्विटीज, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्विटीज। ये जो मिशन है मॉन्यूमेंट्स और एंटीक्विटीज का, ये 2007 में लॉन्च हुआ है और इसका एम क्या है, नेशनल डेटाबेस ऑन बिल्ट हेरिटेज एंड साइट्स एंड एंटीक्विटीज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड म्यूजियम, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग द 11th फाइव ईयर प्लान फॉर द इंफॉर्मेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ प्लानर्स रिसर्चर एक्सेट्रा। यहाँ पे आप ये समझो नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्विटीज, ये 2007 में आपका ये शुरू हुआ 11th फाइव ईयर प्लान। इसका एम ये है कि डेटाबेस है जो हमारे हेरिटेज से रिलेटेड जो मॉन्यूमेंटल साइट्स हैं उनसे रिलेटेड, मैन्यूस्क्रिप्ट से रिलेटेड जो जितना भी जानकारी है उसके डेटाबेस को डेवलप करना, ठीक है, उसके डेटाबेस को डेवलप करना, ठीक है। क्लियर सबको यहाँ तक, उसके डेटाबेस को क्लियर जो है डेवलप करना। तो ये आपका है नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्विटीज, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्विटीज, ये 2007 में आपका लॉन्च किया गया। फिर आपका नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट भी है, सेपरेट मिशन है, ये 2003 में आपका लॉन्च किया गया है। और जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है ये इसकी नोडल एजेंसी है। तो नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट ये लॉन्च की गई है 2003 के अंदर, बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है, बस इतने पॉइंट्स आपको याद रखने। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक नया सा है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजी अगर आपका ऑप्शन आपको पता है किससे रिलेटेड होता है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, सब कुछ ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ही आएंगे, ऐसा इंस्टीट्यूशन है ना, इट हैज बीन मैंडेटेड टू स्टडी द बायो कल्चरल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है, सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट 65 years ago, 65 साल पहले इसकी स्थापना हुई। और जो पॉपुलेशन है भारत की, जो आपकी पॉपुलेशन है उसके कल्चरल आस्पेक्ट को, उसके लाइफस्टाइल को, बायो कल्चरल आस्पेक्ट को, या आप कह सकते हो संस्कृति को, उसको स्टडी करना, ठीक है, ये आपका है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो पहला फैक्ट आपको ये ध्यान रखना कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना कि 65 साल पहले इसकी स्थापना हुई है। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो बायो कल्चरल एट्रीब्यूट है इंडियन पॉपुलेशन का, उसको ये स्टडी करता है, ठीक है। तो बायो कल्चरल एट्रीब्यूट ऑफ, बायोकल्चरल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन का जो बायोकल्चरल एट्रीब्यूट्स है उसको आपका स्टडी करना, ठीक है। नहीं थोड़ा सा आइडिया रख लो, पूरा एग्जैक्ट याद मत करो, मैच द फॉलोइंग और ये सब कभी पूछ लेते हैं, तो मतलब थोड़ा सा आइडिया रखो 1950s 60s ऐसा याद रखो, ठीक है। फिर आपका है नेक्स्ट स्वदेश दर्शन स्कीम, ठीक है। स्वदेश दर्शन स्कीम की अगर आप बात करोगे तो डेवलपिंग थीम बेस्ड सर्किट, टूरिस्ट सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अलग अलग टूरिस्ट सर्किट बनाए गए हैं, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, डेजर्ट सर्किट, मतलब स्वदेश दर्शन, मतलब अपने देश के दर्शन। तो अब वो लोग मान लो कोई घूमने आ रहा है, अब वो कैसे घूमेगा, तो बुद्धिस्ट सर्किट मतलब जो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स हैं वो बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर आएंगे। डेजर्ट सर्किट जो भारत में जैसे जहाँ जहाँ डेजर्ट है वो डेजर्ट सर्किट में आ गया। तो ऐसे ही कई सारे टूरिस्ट सर्किट्स बनाए गए हैं जहाँ पे लोग घूम सकते हैं, ठीक है। थीम बेस्ड आपका टूरिज्म इसमें प्रमोट किया जाए, तो यहाँ पे आपका थीम बेस्ड टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, ठीक है, थीम बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। स्वदेश दर्शन स्कीम, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर स्वदेश दर्शन
स्कीम, तो यहाँ पे थीम बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। इसके बेसिस पे बहुत सारे जो आपके सर्किट्स हैं, लगभग 13 सर्किट्स आपके डेवलप किए गए हैं। नेक्स्ट है प्रसाद स्कीम। तो प्रसाद स्कीम बेसिकली रिलेटेड है जो रिलीजियस साइट्स हैं, है ना, उनको डेवलप किया जा रहा है, रिलीजियस साइट्स को। तो ये आपको याद नहीं करना कितने सारे साइट्स हैं जिनको डेवलप किया गया, बट आपको बस ये याद रखना है कि मेनली जो सिग्निफिकेंट रिलीजियस साइट्स हैं उनको डेवलप करने की यहाँ पे आपकी बात की गई है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? इज इट क्लियर एवरीवन? एम बाबू, ये आप कह रहे हो कि इससे अच्छा है कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दो। आप इस चीज को समझो पहले कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, ये चीजें मेंस के लिए भी एक तो इम्पोर्टेंट है। और 950 पेजेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है कितने बनेंगे ना, लगभग 5000 क्वेश्चन बनेंगे। तो पूरे साल में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग ये चाह रहे हो क्या? नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम है, तो नेशनल पेंशन स्कीम आपको याद रखना है, इसको पहले न्यू पेंशन सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है, अर्लियर नोन एज न्यू पेंशन सिस्टम। और ये इंट्रोड्यूस किया गया है 2009 के अंदर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने, जब वहाँ क्वेश्चन आएगा और आपसे मिस हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए आपको ये फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी चाहिए। नेशनल पेंशन स्कीम सरकार ने 2009 में आपका आपका इंट्रोड्यूस किया है, और पहले इसे न्यू पेंशन स्कीम भी कहा जाता है। और इंडियन पोस्ट इज अ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस फॉर द नेशनल पेंशन सिस्टम। और यहाँ पे 18 से 55 साल के जो एज के, ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, 18 to 55 ईयर्स, ये लोग इसमें ये इसका पार्ट बन सकते हैं, ठीक है, और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टिल 60। तो 60 साल तक, मतलब आपने मान लो 18 साल के हो गए और पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो इस स्कीम के अंदर, 60 साल बाद फिर आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है। 55 साल के भी हो तब भी आप 5 साल कंट्रीब्यूट करोगे फिर भी आपको पेंशन मिलेगी। तो जिस हिसाब से आपने कंट्रीब्यूट किया उस हिसाब से पेंशन मिलेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस पेंशन कंट्रीब्यूट्स आर इन्वेस्टेड इन वेरियस स्कीम ऑफ डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर्स अपॉइंटेड बाय नेशनल फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो PFRDA के द्वारा पेंशन फंड ये मैनेज करती है इस स्कीम को, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA, ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के द्वारा मैनेज होता है। पहला पॉइंट याद रखो, 2009 है ना, पहले इसको न्यू पेंशन सिस्टम कहा जाता था, 18 से 55 साल के जो लोग हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 60 साल तक, और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको मैनेज करती है। तो ये चार पॉइंट्स आपके माइंड में होना चाहिए। तो जल्दी से एक एक लाइन कॉपी नहीं करना, ऐसे बुलेट पॉइंट से आप तुरंत नोट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखो, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट है ये न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए, और 2015 में लॉन्च हुआ, 2015 में ये लॉन्च हुआ सुकन्या समृद्धि अकाउंट। पहला याद रखो 2015 में लॉन्च हुआ, दूसरा याद रखो वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड इससे ये रिलेटेड है, ये ध्यान रखो। और है ना, जो इस स्कीम के तहत जो भी गार्जियन है गर्ल के वो एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं इन द नेम ऑफ वन ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड मैक्सिमम टू अकाउंट इन द नेम ऑफ टू डिफरेंट गर्ल चिल्ड्रन अप टू 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है गर्ल चाइल्ड के नेम पर, और इसमें सरकार भी कंट्रीब्यूट आपका करती है, ठीक है। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट आपको ये बस ध्यान रखना है कि किससे रिलेटेड है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, मेनली वेलफेयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, इससे ये रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक गर्ल चाइल्ड या मैक्सिमम दो डिफरेंट गर्ल चाइल्ड के नाम पे
ये ओपन हो सकता है, तो ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अब हम लोग आ गए हैं ये चैप्टर आई थिंक फाइनेंस का है, शायद फाइनेंस और उसका है ये कॉमर्स का है, नहीं कॉमर्स कह रहे हैं, ये एक चैप्टर है आपका आई थिंक कम्युनिकेशन एंड ऑल, पोस्ट कम्युनिकेशन और ये सब चीज़ें उसमें, उस पर ये रिलेटेड चैप्टर, तो हम लोग ये चैप्टर कर रहे हैं आई थिंक थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये सेटअप हुआ 2016 में, इसका एम क्या है, एक्सेसिबल अफोर्डेबल और ट्रस्टेड बैंक फॉर द कॉमन मैन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पोस्ट पेमेंट बैंक, यहाँ पोस्ट का मतलब क्या हो गया, जो आपके पोस्ट ऑफिस होते हैं ना उनकी बात है ये, पोस्ट पेमेंट बैंक ये 2016 में सेट हुआ, जिससे कि कॉमन लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुँचाया जा सके, ठीक है। कैशलेस ट्रांजेक्शन को प्रमोट किया जा सके, और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है विथ 100% इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 2016 में ये आपका बैंक आया, जो कॉमन मैन है उन तक आपकी सर्विसेज पहुंच सके, कैशलेस ट्रांजेक्शन को प्रमोट किया जा सके, और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसमें 100% इक्विटी सरकार की है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखना है, क्लियर है यहाँ तक। फिर एक ये है फिलाटेली, तो फिलाटेली आप याद रखो ये क्या है, ये हॉबी है स्टैम्प्स कलेक्ट करने की, इसको भी प्रमोट किया जाता है, तो ये फिलाटेली इज अ हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प, बस इतना याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टैम्प्स, जैसे मान लो कोई हेरिटेज साइट है उसका स्टैम्प निकाल दिया, कोई बहुत बड़ा पर्सन है जो जिसने इंडिया के लिए बहुत एक बड़ा रोल प्ले किया है उसके नाम पर स्टैम्प निकाल दिया, तो इस ये जो स्टैम्प कलेक्ट करने की हॉबी होती है उसको फिलाटेली बोलते हैं, ठीक है, फिलाटेली, क्लियर है। हाँ, बचपन में करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नेशनल नॉलेज नेटवर्क ये इस्टेब्लिश किया गया 2010 के अंदर, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंटरकनेक्ट ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च। अब देखो ये लाइन याद रखो, नेशनल नॉलेज नेटवर्क कब आया, 2010 में, ये याद रखो। दूसरा क्या याद रखना है कि जो हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं और रिसर्च हैं इनको कनेक्ट करना, इंटरकनेक्ट करना विथ हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क to facilitate knowledge sharing and collaborative research। मान लो एक इंस्टीट्यूट है, दूसरा इंस्टीट्यूट है, तीसरा इंस्टीट्यूट, इनको कनेक्ट करना, उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना जिससे कि नॉलेज आपस में शेयर कर सके, ये इसका एम है। अब हो सकता है यहाँ पे हायर लर्निंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की जगह मान लो स्कूल लिख दिया जाए, इस टाइप से लिख दिया जाए, तो आपको याद रखना है ये सिर्फ हायर लर्निंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए है, ना कि सारे जितने भी हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं प्रगति, ठीक है, प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रगति क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो प्रगति के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लो प्राइम मिनिस्टर बैठे बैठे किसी भी प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि यह ढंग से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले तो आप फुल फॉर्म याद रखो, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो गवर्नेंस है वो मतलब उसको बेटर करने का भी एक प्रयास है। तो ये पार्ट है एज अ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी वाज लॉन्च्ड इन 2015 में लॉन्च किया गया। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, जब गवर्नेंस कैरी आउट किया जाता है बाय यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, बाय यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म जब गवर्नेंस कैरी आउट किया जाता है वी कॉल इट एज ई गवर्नेंस, ठीक है। जब गवर्नेंस कैरी आउट किया जाता है बाय यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म वी कॉल इट एज ई गवर्नेंस। तो सरकार मूव कर रही है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, ठीक है। मिनिमम गवर्नमेंट कब होगी, जब सरकार की साइज कम होगी। सरकार की साइज कम होने का मतलब यह है कि जो काम ब्यूरोक्रेट्स करते हैं वो काम आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो सकता है।
तो एक तो इससे ट्रस्ट भी डेवलप होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस भी होगा, मॉनिटर भी आप कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी ब्रिंग द सेक्रेटरीज, अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि चीफ सेक्रेटरीज हैं स्टेट के, उनसे तुरंत बातचीत करके कि ये स्कीम कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, बातचीत करके कि ये कितना होना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर जो है उनसे डिस्कस कर सकते हैं मेजर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम से रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो मान लो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, जो स्टेट में चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जैसे सेंट्रल लेवल पे कैबिनेट सेक्रेटरी, वैसे स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी होते हैं, तो उनसे डायरेक्ट बातचीत करके कि अभी इस स्कीम ये मेजर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, तो इससे जो स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन है वो देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, जिसे हम कहते हैं, इस स्कीम का नाम है प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर हो गया सभी को यहां तक? हाँ, तो टॉपिक मैंने आपको बता दिया ना, प्रगति, धीरज, ये अभी टॉपिक कैसे बताऊं, बताओ, ये बता दिया प्रगति है, और ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क है। ठीक है, तो हमने ये आईटी एंड कम्युनिकेशन का भी कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं डिफेंस। ठीक है, हाँ, अगर जैसे मान लो कुछ समझ में नहीं आया आप लोग को, तो आप लोग मैसेज कर दो, मतलब यूट्यूब में जो बच्चे हैं वो मैसेज कर दो, जैसा भी आप लोग बता दो, तो आई विल रिपीट द थिंग। ठीक है, शैल आई प्रोसीड एवरीवन, प्लीज लेट मी नो, यूट्यूब में जो बच्चे हैं और यहां भी जो बच्चे हैं, प्लीज लेट मी नो, ये दोनों जगह लाइव सेशन चल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, दोनों जगह लाइव सेशन चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो मैं आप दोनों को एक साथ मिला भी सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर एक दूसरे को देखना चाहते हो तो ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये सभी लोग हाय बोल दो एक दूसरे को। यूट्यूब वाले जो है अनअकैडमी को हाय बोल दो, अनअकैडमी स्पेशल क्लास वाले वैसे हाय बोल दो। ठीक है, तो ये देखो इस टाइप से हैं सारे। चलो नेक्स्ट चैप्टर है डिफेंस, तो सभी लोग हाय बोल दो। यूट्यूब वाले मैं मैसेज बीच में कन्वे कर देता हूँ। ठीक है, तो अनअकैडमी वाले यूट्यूब वालों को हाय बोल रहे हैं, यूट्यूब वाले अनअकैडमी वालों को हाय बोल रहे हैं। ठीक है, सो कोशिश करो कि दोनों बेनिफिट हो इससे, इस सेशन से। चलो नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस, डिफेंस नोट कर लो। चलो ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना आप याद रखो, तो ये आर्मी ने अंडरटेक किया है, यूनिक ह्यूमन इनिशिएटिव इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो लोगों के एस्पिरेशन, जब मान लो जो मतलब टेररिज्म से अफेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ के लोगों के एस्पिरेशन को समझते हुए आर्मी ने ये आपका ऑपरेशन सद्भावना जो है वो लॉन्च किया, जिससे जो लोग हैं उनके बीच में एक तो ट्रस्ट भी बन सके, वो अपने एम एम्बिशन को पूरा कर सके, तो उसके लिए प्रयास आपका किया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्कीम है, अभी जितनी भी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, इससे पहले जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आ रहा, मतलब ये आपका आईटी के अंदर आ रहा था, उससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से था, उससे पहले मैंने डिस्कस किया था वो आपका जो है आई थिंक एनवायरमेंट के अंदर था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, उससे पहले था एमएचआरडी के अंदर था। तो ये आपको बस ये याद रखने हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन सद्भावना जो है आप लोगों ने नोट कर लिया सभी ने। अच्छा, भावना कह रही है कि भावना कह रही है कि ये सद्भावना है, आई एम भावना। ठीक है, तो देखो ये ऐसे भी बन सकता है, सैड प्लस भावना। ठीक है, तो ये जब दो मिल जाते हैं तो इसकी मीनिंग अलग हो जाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन मदद। ठीक है, ऑपरेशन मदद, तो यहां पे मदद में आप देखो, मदद में अगर आप देखोगे इसमें
माँ भी है और डैड भी है, दोनों हैं इसमें, ठीक है। तो ऑपरेशन मदद जो है इसमें क्या है कि ऑपरेशन मदद में माँ भी हैं डैड भी हैं दोनों हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेनली जो रिलीफ असिस्टेंस है फ्लड अफेक्टेड एरिया में, ये आपका इसके अंदर किया गया है। तो आपको सभी को पता है केरला के अंदर, ठीक है, केरला के अंदर जो अभी बाढ़ आई थी, फ्लड आया था, उसमें ये ऑपरेशन मदद आपका लॉन्च किया गया था। अब ऑपरेशन मदद भी आपको ये ध्यान रखना है, इसमें भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जो है आप कह सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसमें इन्वॉल्व है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? नोट्स कैसे लिखें आप? अभी ये नोट्स आपको देखो मैं कैसे बताऊं, जैसे एक आपके पास एक पेज होगा, ठीक है, उसको ऐसे पेज ऐसे ओपन करो और पेन से ऐसे बुलेट पॉइंट बनाओ और यहाँ से ऐसे ऐसे लिखना शुरू कर दो, ठीक है। यहाँ जैसे मैंने ये बताया तो बुलेट पॉइंट से लिख दो, इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, एनर्जी। तो हमने डिफेंस देख लिया, अब हम एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, इज इट क्लियर? एनर्जी, तो डिफेंस में सिर्फ हमें ऑपरेशन सद्भावना और ऑपरेशन मदद, ये दो चीजें हैं, ये याद रखनी है। एनर्जी देख लेते हैं, इसमें बहुत सारी स्कीम्स आपकी दे रखी हैं, तो वो देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है, इसके ऑब्जेक्टिव्स आप थोड़ा सा याद रखो, सेपरेट एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर फीडर फॉर जुडिशियर रोस्टिंग ऑफ सप्लाई टू एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर कंज्यूमर इन रूरल एरियाज। देखो तो यहाँ पे बेसिकली जैसे मान लो लाइट दी जा रही है, अब वो लाइट आपका एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लाइट ऑलमोस्ट बहुत कम पैसा देना पड़ता है, ठीक है, बहुत ही कम जो है पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप ये समझो कि इस चीज को अब हो क्या रहा था कि जो लाइट एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए वो नॉन एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल हो रही थी, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, दोनों को अलग कर दिया, दोनों फीडर को अलग कर दिया, एग्रीकल्चर के लिए नॉन एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको बेटर करना, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप देखते होगे जब आप ट्रेन से जाते हो कभी, तो बड़ी बड़ी लाइनें जाती है ना, तो वो क्या है, वो ट्रांसमिशन के लिए, वो ऐसा नहीं कि वहाँ पे वो रोपवे करवाते हैं, वो वहाँ से आपकी एक जगह से दूसरी जगह ग्रिड के थ्रू लाइट जाती है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मीटरिंग करना, मीटरिंग का मतलब क्या है कि अगर आप गांव देहात में जाओगे तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो लाइन जा रही है तो उसमें वो डंडा डाल देते हैं, वो है ना उस टाइप से, तो मीटर लगाते नहीं है, और फिर पॉसिबिलिटी रहती कि लाइट का मिसयूज करें क्योंकि बिल तो देना नहीं है, तो प्रॉपर मीटरिंग करना, ठीक है, ये भी इसका एम है। तो बहुत सारी जो स्कीम्स हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड वो इस स्कीम के अंदर आ गई, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो मेनली जो इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल एरियाज में वो प्रमोट करना, उसके बाद एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर फीडर्स दोनों में आपका डिवाइड करना, ठीक है, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर जो फीडर्स हैं इसमें आपका डिवाइड करना, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, लाइट आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कर रहे हो, नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कर रहे हो, इस टाइप से। उसके बाद जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है बेटर करना, और मीटरिंग करना, मतलब मीटरिंग मतलब जो मीटर अगर लाइट आप कंज्यूम कर रहे हो, किस पर्पस के लिए कितनी लाइट कंज्यूम कर रहे हो, वो सारी चीजें, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है वो है सौभाग्य, ठीक है, सौभाग्य जो है, सौभाग्य तो इसका नाम क्या, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, तो ये देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सौभाग्य योजना, तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सारे घरों में बिजली पहुंचे, ये वाली योजना। तो यहाँ पे एम जो इसका है, यूनिवर्सल हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन द कंट्री बाय मार्च 2019, ये इसका एम था कि सभी घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे, है ना, ये 2019 तक, और गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आपका सौभाग्य योजना, कितने पैसे लगाएं ये सब आपको याद नहीं रखना है, और इसमें कई चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करना टू ऑल अनइलेक्ट्रिफाइड हाउसहोल्ड इन रूरल एरियाज,
जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी बिजली कनेक्शन नहीं है उन तक बिजली कनेक्शन पहुंचाना, ठीक है। और जो APL हाउस होल्ड हैं, जो अबव पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड है, वो इलेक्ट्रिक कनेक्शन ले सकते हैं ऑन पेमेंट ऑफ ₹500। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, APL हाउस होल्ड्स हैं विल गेट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ ये BPL के लिए, APL हाउस होल्ड्स को वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो सौभाग्य योजना, आपको इसका फुल फॉर्म ही पहली चीज याद रखना, सौभाग्य में है ना। तो आपके मन में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि सौभाग्य लिखा है तो इसमें भाग्य लिखा है तो कुछ हो सकता है लक से रिलेटेड हो या कुछ ऐसा आप अपना लॉजिक वहां पे लगा दोगे, तो वो ऐसा नहीं है। तो प्रधानमंत्री, ये बेसिकली इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रमोट करना रूरल एरियाज में, ये इसका आपका एम है, ठीक है। नहीं देखो, फेलियर सक्सेसफुल ये अभी ये इंडिया एयरबुक में नहीं आएगा कि फेलियर सक्सेसफुल जो धीरज, ये अभी नहीं आएगा। ये सब बातें जो है मान लो योजना में, जैसे योजना इशू में करंट अफेयर में आपसे डिस्कस करता हूँ, योजना कुरुक्षेत्र और ये सारी चीजें, तो उसमें अलग से कई टॉपिक आते हैं, तो वहां पे एनालाइज किया जाता है, ठीक है, कि ये फेलियर है सक्सेसफुल है ये सारी चीजें। तो ये ऐसा आपको कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना कि ये फेल हुई है या सक्सेसफुल हुई है, अलग अलग एस्पेक्ट या ओपिनियन आपको सामने रखने होते हैं। इसके बाद इसमें यह भी आपको ध्यान रखना, प्रोवाइडिंग सोलर फोटोवोल्टिक बेस्ड स्टैंड अलाउन सिस्टम। यहाँ पे मतलब सोलर एनर्जी को भी प्रमोट करने की बात की जा रही है, उसके थ्रू भी जहाँ पे मान लो नॉर्मल वे में लाइट नहीं जा रही, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाए, उसके थ्रू भी जो लाइट है वो जनरेट किया जाए और उन तक लाइट पहुंचे जहां लाइट नहीं आपकी पहुंच पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपके माइंड में होना चाहिए, क्लियर है। Bringing light to, very good, Saklani, ठीक है। Next जो है आपकी इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम देख लेते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इम्पेटस टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन अर्बन एरियाज, मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम 2014 में। तो 2014 में आपका ये इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम आपकी लाई गई, ठीक है, जिससे कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ग्रिड से लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो उसमें भी ट्रांसमिशन लॉस बहुत अधिक होता है, तो उस लॉस को कम करना, ये सारी चीज़ों पर फोकस करना। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है अर्बन एरियाज में उसको स्ट्रेंथन करना, और जो ट्रांसफार्मर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, और IT इनेबल्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स एंड स्ट्रेंथनिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके बस माइंड में सिर्फ इतना होना चाहिए कि मेनली जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्ट्रेंथन करना, ये ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम का, जो कि 2014 में आपकी लॉन्च की गई है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 2014 में जो स्कीम आपकी लॉन्च की गई है, इसका एम है स्ट्रेंथनिंग ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इन अर्बन एरियाज, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट स्कीम है उदय, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक है। तो ये भी याद रखो, तो उदय स्कीम भी कहते हैं, 2015 में ये आपकी लॉन्च हुई, और फॉर अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू द ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इनएफिशिएंसी ऑफ डिस्कॉम्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ पावर, इंक्रीज रेवेन्यू, इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो आप ये समझो कि जैसे मान लो एक लाइट प्रोड्यूस हो रही है कहीं भी, मान लो एक डैम है, अभी डैम में लाइट प्रोड्यूस हो रही है, अब इस लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कई सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आपकी होती हैं, उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, अब स्टेट लेवल पे मान लो एक स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अब उसके पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ये काफ़ी लॉस में जा रही थी, तो इनके लिए कई सारे इन कंपनीज के उद्धार के लिए आप कह सकते हो, या ये कंपनियां थोड़ा सा प्रॉफिट में जाएं, इसके लिए स्कीम आपकी है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जिसके अंदर कई सारे तरीके का मतलब
जो पावर का कॉस्ट है उसमें रिडक्शन, उनके रेवेन्यू को इंक्रीज करना, ये एक एम है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, ये कई सारे आपके आपके इसके एम है। तो लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट और रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ पावर, इंक्रीज द रेवेन्यू, इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है हेमलता, आप मुझसे अनअकैडमी में जुड़ सकते हैं अगर आप 2020 की तैयारी कर रहे हो तो 3:30 बजे आपकी क्लास होती है। ठीक है, तो अभी ये क्लास अप्रैल 30 तक आपका ख़त्म हो जाएगी, तो आप उस पर आके अपना करंट अफेयर्स पूरा कर सकते हो। ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स का करना चाहते हो, ठीक है, एंड यू हैव टू यूज़ दिस कोड दैट इज़ SPLIVE। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, तो ये एक वॉलंटरी स्कीम है फॉर पार्टिसिपेशन एंड 26 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरेटरी हैव ज्वाइंड द स्कीम। इन्होंने, इतने लोगों ने आपका इसको ज्वाइन आपका किया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये उदय स्कीम है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, और ये उज्ज्वला है। ठीक है, तो उज्ज्वला बेसिकली क्या है, क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करना, किसको, पुअर हाउसहोल्ड स्पेशली इन द रूरल एरियाज। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें कि LPG कनेक्शन दिया जाएगा टू 8 करोड़ वुमेन बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सभी लोग इसके लिए मतलब एप्लीकेबल नहीं है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको ये दिया जाएगा, LPG कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट आपका दिया जाए। ठीक है, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फ्यूल LPG टू BPL हाउस होल्ड, बस इतना माइंड में याद रखना। अब मान लो कोई वुमेन है, अगर उसको खाना बनाना है तो वो कैसे करेंगे, जंगल जाना, मतलब इन नॉर्मल रूरल एरियाज की बात करो तो वहाँ पे लकड़ी काट के लाना, फिर उसको है ना उससे फिर सारा पकाना, ये सारी चीज़ें हैं, तो उससे काफ़ी अधिक पॉल्यूशन है और उससे हेल्थ भी उनका काफ़ी अफेक्ट होता है। तो अगर वो सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे, LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे, तो एक तो उनका हेल्थ भी इम्प्रूव होगा और भी कई सारे आपके इश्यूज़ हैं, जैसे मान लो फिर लकड़ियाँ कम कटेंगी तो इससे जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी आपका आप कह सकते हो कि फॉरेस्ट एरिया भी प्रोटेक्ट आपका होगा। नेक्स्ट एक स्कीम आपकी पहल स्कीम याद रखो, ये क्या है, अ मेजर ऑफ गुड गवर्नेंस इंट्रोड्यूस वेल टारगेटेड सिस्टम ऑफ सब्सिडी डिलीवरी टू LPG कंज्यूमर थ्रू पहल। तो ये एक ऐसा एक स्कीम है जिसका एम क्या है कि जो सब्सिडीज हैं उनको रैशनलाइज किया जाए। ठीक है, जो सब्सिडीज की लीकेजेस हैं उसको रिड्यूस किया जाए। और जैसे फॉर एग्जांपल इस स्कीम के तहत मान लो जो सब्सिडी देनी है, जैसे LPG में पहले सब्सिडी देनी होती मिलती थी लोगों को 700-800 रुपये का अगर कॉस्ट पड़ती तो आपको 450 रुपये ही देना पड़ता था, तो इसमें सभी के लिए थी। तो ये क्या है कि सब्सिडी सभी तक पहुंचे, तो एक ये स्कीम है जिसको हम पहल कहते हैं, जिसके तहत डायरेक्टली सब्सिडी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, इससे सब्सिडी का लीकेज और सब्सिडी को रैशनलाइज किया जा सकता है। ठीक है, ये एक इस स्कीम का एम है, बाकी डेटा इतना याद नहीं करना। क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट जो स्कीम है वो सहज है। ठीक है, तो सहज स्कीम किसके, क्या है ये डिजिटल इनिशिएटिव है लॉन्च्ड बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर रिलीज ऑफ LPG कनेक्शन विथ ऑनलाइन पेमेंट एंड इश्यूएंस ऑफ ESV अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एंड फैसिलिटी। अब देखो इसमें क्या है कि सहज स्कीम के तहत ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो तुरंत, जो जैसे मान लो कई रिटेलर्स होते हैं उनको जरूरत है LPG सिलेंडर्स और सिलेंडर नहीं LPG की ज़रूरत है, तो वो ऑनलाइन पेमेंट करके और वो आपका रिलीज हो जाता है। पहले आपका बहुत लंबा प्रोसीजर होता था, अब वो प्रोसीजर को काफ़ी रिड्यूस किया, तो आपको करना क्या, आप ऑनलाइन पे भी कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो और फिर जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, मतलब पेमेंट कर दिया, सारी चीज़ें हो गई तो आप डायरेक्ट आपको सप्लाई हो जाएगी। तो ये एक कदम उठाया गया सहज के तहत। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट सेशन आई विल टेक और उस सेशन के अंदर हम लोग बाकी की चीज़ें कवर करेंगे। आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू कि जैसे मैंने आप सभी को कहा है कि ये इंडिया एयरबुक अराउंड 950 पेजेस की है, तो ये काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं और वन गो में ये आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें सारे चैप्टर्स जो इम्पॉर्टेंट एटलीस्ट वो कवर अगर आप करते हो और ढंग से नोट्स प्रिपेयर करते हो तो ये 50 पेजेस 60 पेजेस में आपका सारा कन्वर्ट हो जाएगा, और ये चीज़ें आपके लिए हेल्प भी करेंगी समझने में भी, और आप इनका जो कई चीज़ें मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और प्रीलिम्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो।
प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आपका बन सकता है। जो स्टूडेंट्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं, 2021 की तैयारी कर रहे हैं, 2022 की तैयारी कर सकते हैं, आप अनअकैडमी में मुझसे जुड़ सकते हो। आपको ये रेफरल कोड याद रखना है SPLIBE, ये रेफरल कोड यूज़ करके आप जुड़ सकते हो। 2 अप्रैल से अप्रैल के करंट अफेयर शुरू हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी के अंदर जैसे आप 80 प्लस टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हो, मतलब अगर मान लो आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया तो उसमें 80 प्लस टॉप एजुकेटर से आप 2 साल तक लगातार पढ़ सकते हो, एक कोर्स को बार बार कर सकते हो, चाहे GS का हो चाहे ऑप्शनल का हो। तो 80 प्लस एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हो। तो जैसे जो अमाउंट है वो 48,000 है 2 साल के लिए, अगर आप SP लाइव कोड यूज़ करोगे ये अमाउंट आपका रिड्यूस हो जाएगा 243,200, ठीक है। और इस अमाउंट में आपको सारे GS के सब्जेक्ट, जो ऑप्शनल है वो टेस्ट सीरीज है, सारी चीज़ें सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर आप इस अमाउंट को डिवाइड करोगे जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं तो ये आपके स्कूल टाइम के ट्यूशन फीस से भी कम आएगा, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं, और एक बार ही नहीं बार बार 2 सालों तक आप बार बार कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास अच्छा मौका है, आप लोग ज्वाइन करो और आप मुझसे ही नहीं इंडिया के टॉप 80 प्लस एजुकेटर्स के साथ अपना जो है पढ़ाई करो और अपना जो प्रिपरेशन है उसको अच्छी करो। सो आज के लिए इतना ही। आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू जो यूट्यूब के अंदर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, और जो है बच्चे जो आपके स्पेशल क्लास कर रहे हैं वो भी जो है कोशिश करो कि रिवीजन पर भी फोकस करो। और आखिर में आप दोनों एक दूसरे को हाय बाय जो बोलना बोल लो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, आप सभी खुश रहो, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। थैंक यू।